आँख में तो पानी आ गया भाई साहब। तो इनको देख सकते, ये खुश है बहुत ज्यादा, और इनके खुशी का कारण मेरे आँख के आंसू बता सकते। कितना दिन ना हंसते हम पूछिए ना, हंसते तो बढ़िया से हंसते है फोन पर, लेकिन जुड़वा जुड़वा तो अभी अभी एसी का हवा नहीं मिल रहा था, मैं कुर्ता का कुर्ता का हवा आशीर्वाद देता लो। चलिए तो गाइस अब जगराता खत्म हो गया, और इन सब का छत तो नीचे नीचे है ना। हां तो 11 फुट पे लेंटर है, उसका फिर 1 फुट 11 फुट में है जी, 11 फुट है, फिर 1 फुट पे डाउन सीलिंग है, 11 फुट पे लेंटर है, फिर 1 फुट डाउन सीलिंग है। तो यहाँ पे अभी आ चुकी है, ये बताओ ये कौन लाया माला, सासों की माला जिसका क्यों अनादर हो रहा है, जमीन पे सब गिरा, नहीं जमीन पे नहीं, ये गुलाब का पत्ता, ये गुलाब का पत्ता नहीं, ये गिरेगा वैसे भी, उसमें पन्नी में रख लो, नहीं तो ये गले में लटका हुआ था मेरे, ये मेरे कोई दिया था क्या, हाँ चाहिए क्या, नहीं नहीं ओ मंगलम भगवान, इसको अपने पास रखो, आपको मिला है बोले ये प्राची, प्राची संभाल के रखना, पाउडर भी मिला है, पाउडर मिला है, मुझे पाउडर भी मिला, बहुत जल्द शादी होने वाला है, पाउडर मिला है तो शादी होगा, हम तुमको नहीं मारे, मैं आगे शूट आउट करने करने गए थे ना, लेकिन इसका गलती नहीं था, ये पता नहीं अपने आप उचक के आगे बीच में। सो गाइस किट्टो से मेरे को लड़ना था, आज मैं लड़ लिया, और किट्टो तुम दुबली हो गई, सब लोग कह रहे हैं मजाक कर रहे थे हम, नहीं लेकिन पतली हुई है थोड़ी सी, ओ खुशी देखो खुशी, चलो बढ़िया, मेरे यहाँ गई थी तो ऐसे फूली थी, सच में बहुत ज्यादा हो गई, अब वीडियो पतली लग रही है, नहीं लेकिन थोड़ी पतली हुई है, हल्का सा वो, वेट मशीन रखी है, मशीन रख लो, मशीन रख लो, उससे नापते रहना, तो ये मोटू पतलू की जोड़ी, और मेरे और अमित भाई की भी मोटू पतलू की जोड़ी चल रही है, इनको दुबला इसलिए होना है क्योंकि दिसंबर में शादी है। ये गाइस अभी आई अपना बाल सीधा करवा के, ये देखो फुल स्ट्रेट, बोले ना कि हम अपना बाल कटवा ले रहे हैं, नहीं नहीं बाल मत कटवाना, बस ठीक है बाल भी अच्छा है, खाना में क्या था, चावल दाल और बहुत मस्त था, आलू गोभी सब्जी, आलू गोभी सब्जी बहुत अच्छा, तुम्हारे सब्जी बना था, गोभी उसमें लग रहा था वैसे, है ना इसके जैसा गोभी हो गया था। अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हूं, सब लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, हम लोग का तो बस 2 मिनट वाला कड़ी है, हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इन लोगों को 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगाना होगा, हम लोग का भी जल्दी सामान लेना था मार्केट से, लेकिन अब है यहाँ पे देख सकते किसी के मोबाइल से कनेक्टेड है, हां किसी के मोबाइल से कनेक्टेड है, टीवी किसी
तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है इन लोगों का, गाना ही नहीं चल रहा बाकी सब कुछ। तो गाइस सभी लोग भी रेडी हो रहे थे, मैं सोचा गाड़ी से अपना ब्लेजर वगैरह निकालूँ, पता लगा गाड़ी के छत ऊपर है, मोबाइल से अभी इसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हुआ है ना, तभी इसको रिन्यू करूँगा। चलते हैं ऊपर। अमित भाई तैयार हो चुके हैं, अमित भाई ये कह रहे हैं तो हमारे सचिन भाई जिन्होंने पता नहीं खोपचा पकड़ रखा है, मैं इनको वहां निकलो वहां निकलो वहां निकलो। मैं बोल रहा हूं अमित भाई तैयार हो चुके हैं, मस्त हाफ पैंट में अच्छे लग रहे हैं, हम कैमरे में नहीं दिखाएंगे ये सब, कलर भी दिखा देंगे यार, बताओ हम दिखा रहे हैं कि हम मैचिंग का ही पहनते हैं। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो गई, सब मनीषा का मनीषा बुलाओ ना, ये कलर कैसा है बताइए, कलर बहुत जो कि मैंने कभी सोचा नहीं, मैं सोचा था कि मैं अपनी शादी करूंगा, लेकिन शादी से पहले मैं ये सोच कर रहा हूं इसी बार शादी नहीं है। नहीं मिलेगी तो इसको ले जाइए। नरदाई जी ये ड्रेस कैसा लगा, थोड़ा सा इसको हम क्यों इसका ऊपर का ब्लेजर पहन के दिखाते हैं। इसके लिए अंदर का मैचिंग देखिए कितना, ये गलत है, ये ऊपर का दिखाओ ना, पीछे से भी दिखाओ, इसलिए लटक भी लो दोस्तों। तो इसके अंदर लिए मैंने अपने, तो यहाँ पे दीपक भाई पूरा हल्ला मचा दिए घर में, तो अमित भाई की जो सिस्टर है वो हेयर स्ट्रेट कर रही है। गाना कौन बजा रहा है, गाना बजने में बहुत लफड़ा है भाई, एडिटिंग में बहुत दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे मनीषा का मेकअप वेकअप हुआ है कंप्लीट, तो वो आपको दिख जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में, कोई रील बना रहा है जानबूझ के दीपक भाई। इनका व्लॉग बन गया ना, अब कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब क्यों नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं आप, तो कभी सोचा मत कि मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपके दिल के अंदर हैं। सही बात है, ये तो बात सही है, आप कलेजे के टुकड़े हैं, आपके दिल के टुकड़े हैं, कलेजा छोड़ दीजिए, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं टुकड़े नहीं करेंगे, जब तक रहेंगे ना, तभी तो बाहर निकले हैं आप। यहाँ पे मनीषा की तैयारी चल रही है, चलो नहा चलो नहा चलो, यहाँ हवा चला था, ए बेटा यहाँ पे एसी चालू कर दो भाई, हाँ चालू है, चल रहा है एसी, भाई बाप नहीं यार घंटा में करो, तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यहाँ पे मैंने माइक लगा के बोला था लेकिन माइक ऑन ही नहीं था, इसके वजह से पूरी वॉइस ही म्यूट हो गई, जो भी आप बोले कुछ नहीं आया सारा वॉइस म्यूट हो गया। तो यार दीपक भाई भी आके वीडियो में बोले, वो आपको बाद में दिख जाएगा, तो उनको पता चलेगा कि ये तो वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ठीक से। तो गाइज मैंने जो वीडियो में लास्ट में बोला हुआ है, जो मैं सब लास्ट वीडियो में आया हूँ, तो मैंने यही बोला है कि देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ये एक बहुत बड़ा कठोर सच्चाई है। करंट लगा यार मेरे को पेंसिल, तो मैंने यही बोला है वीडियो में कि सचिन भैया एक हफ्ते से दिल्ली में है, लेकिन इनका वीडियो नहीं पड़ रहा था, मैंने परेशान हो गया कि क्योंकि व्यूवर्स को चाहिए ना कि हाँ सचिन भैया मनीषा कहाँ घूम रही हैं, तो वीडियो हफ्ते में
मतलब डेली का जो ब्लॉग होता है वो हफ्ते में मतलब दिन में एक पढ़ रहा है और दिन भर गायब हैं, फिर कहाँ क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मैंने इनसे बात कर रहा था कि हाँ कि आप कहाँ थे, कैसे थे और क्या कर रहे थे, और अब कब ब्लॉग नहीं आ रहा था, दिन में एक डाल रहे थे आप, यहाँ पे ओवरवाइस हो रही है, लेकिन मैं यही बात कर रहा था और बस यही कहना चाहेंगे, बाकी आप लोग जानते ही हो। चलो गाइस, तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग भी फटाफट जा रहे हैं रेडी होने, क्योंकि पार्टी वेन्यू पे निकलना है ना, और देर नहीं कर सकते ज़्यादा। सब धीरे धीरे एक एक करके तैयार हो रहे हैं, और सब जो जो तैयार हो रहे हैं आपको उनके व्लॉग्स पे दिखी जाएगा। एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, मिलते हैं अगले व्लॉग में मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खूब सारा सपोर्ट दें, और दीपक जायसवाल के व्लॉग को भी खूब सारा आप लोग प्यार दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस ब्लॉग से लेते हैं विदा, ताकि अगला ब्लॉग भी लेकर के आना फटाफट। ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। और जाते जाते आप ये नज़ारा देख लो, वैसे तो यहाँ पे वॉइस कुछ आएगा नहीं, तो यार दीपक भाई को अब यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट किया था, उसके बाद वो मैंने ब्लॉग एंड किया, तो फिर वो आकर के बीच में ब्लॉग में बोले, और बहुत जो जो बोला वो आपको वॉइस ओवर में सुनाई दे ही दिया होगा, लेकिन ओरिजिनल वॉइस रहता तो आपको और भी अच्छा लगता। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग मुस्कुराओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि दीपक भाई एक बार जाते जाते ब्लॉग में आ जाए, कि आपको पता लगे कि हाँ वो आए हुए थे, बस इन्होंने रोक दिया, रुक जाओ, अब ये अपना कहानी बताएंगे जो आपको ऑलरेडी सुना चुके हैं। एंड करते हैं इसको, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।